और विश्वमित्र महर्षि के और कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है हिंदुइज्म बहुत जैसे कि <laughs> गायत्री मंत्र आपने सुना होगा हुँ. तो गायत्री मंत्र वो डिस्कवर्ड बाय विश्वामित्र सो आई so, थिंक uh, हमने इंग्लिश पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जो वेद हैं वेदों के जो रिचाएँ हैं ये uh, लिखी नहीं है किसी ने दीज वर सीन दीज वर एनविजन्ड तो ये मंत्र दृष्टा इसीलिए उनको बोलते हैं जो ऋषि हैं कि उन्होंने ये देखे मंत्र विजन में उनके आए उन्होंने जब मेडिटेशन में थे और फिर उन्होंने वो मेमोराइज़ किए और पास ऑन किए वेद लिखे तो बहुत बाद में गए बट ये जो मंत्र जब वो लिख रहे थे देख रहे थे मंत्र की जो रिचाएँ देख रहे थे तो उनमें से काफ़ी मंत्र ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में फेमस हैं जैसे कि गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने ऐसे ही देखा था वो उसके मंत्र दृष्टा हैं hmm. और गायत्री मंत्र हर सेक्ट जो है हिंदुज़म का वो इस्तेमाल करता है चाहे वो आर्य समाज वाले हो चाहे वो आ, आ, मतलब सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हों या कोई भी सेक्ट अगर आप ले लो तो मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स दे फॉलो द गायत्री मंत्र सो मिलियंस ऑफ पीपल मिलियंस ऑफ हिंदूज अक्रॉस द ग्लोब चैंट दिस मंत्र डेली गायत्री मंत्र बोल के ही बच्चे का यज्ञोपवीत किया जाता था सो so, जो जनेऊ पहनाते थे बच्चों को पहले तो वो उस टाइम पे उनको दीक्षा जब दी जाती थी पहला मंत्र उनके कान में जो बोला जाता था वो गायत्री मंत्र था दैट hmm. इंपॉर्टेंट मंत्र वॉज डिस्कवर्ड बाय विश्वामित्र सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो उनकी लाइफ में जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी और सिर्फ यही नहीं Uh, हम इंग्लिश पॉडकास्ट में साइंस के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें एक साइंस फिक्शन का एलिमेंट भी है विश्वामित्र की स्टोरी में एक स्टोरी है uh, राजा की त्रिशंकु की और uh, जो हरीश के पिता थे और उनकी स्टोरी में uh, वो त्रिशंकु को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए विश्वामित्र ने uh, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें तो पहुंचाऊंगा पर इंद्र को वो मंजूर नहीं था तो इंद्र ने उनको वापस सत्यव्रत राजा थे उनको धक्का दे दिया वापस तो इसीलिए वो बीच में लटक गए आसमान और धरती के बीच में इसीलिए उनका नाम त्रिशंकु तीन एक्चुअली उन्होंने सिंस किए थे इसलिए भी उनका नाम त्रिशंकु पड़ा था तो वो जो राजा थे वो लटक गए बीच में तो विश्वामित्र को इतना गुस्सा आया और उनके पास इतनी पावर थी ही स्टार्टेड क्रिएटिंग अनदर पैरल यूनिवर्स उन्होंने एक अनदर क्रिएशन बनानी चालू कर दी अपनी योगिक पावर से अनइमेजिनेबल कि आप पूरी एक दुनिया मतलब एक प्लानट नहीं आप बना रहे हैं आप पूरा एक अलग क्रिएशन कर रहे हैं और आ, ऐसी मान्यता है कि ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है हमारा उसमें एक कॉन्स्टेलेशन है क्रक्स जो क्रॉस की तरह दिखाई देता है एंड उस वो जो है वो विश्वामित्र की क्रिएशन है सो so, आप इमेजिन कर सकते हो कि कॉन्स्टेलेशन मतलब स्टार्स उनके अराउंड घूमने वाले प्लैनेट्स क्या क्या चीजें ही कुड क्रिएट दैट इज द स्टोरी ही कुड क्रिएट बिकॉज ऑफ हिज योगिक पावर्स सो ही वॉज नॉट अ एनी इनसिग्निफिकेंट मैन राइट उनका रोल सिर्फ उतना ही नहीं था कि राम को सीता से मिला दिया और उनको वेपन्स दे दिए उसके पहले ही हेड अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स ये सब उनके अचीवमेंट्स थे पहले के hmm. एंड देन अगेन ही अपीयर्स एज अ गाइड एटलीस्ट इन माई बुक आई है यूज एज अ गाइड फॉर परशुराम ऑल्सो hmm. क्योंकि uh, परशुराम की जो स्टोरी है वो Vishwamitra से थोड़ी अलग है Vishwamitra ने खुद कंट्रोल लिया अपनी डेस्टिनी का और उन्होंने बोला कि मुझे मैं राजा हूँ बट मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा चाहे सोसाइटी ने उन्होंने कित, उन्हें कितना रोका तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तुम्हारे बच्चे हैं पत्नियाँ हैं राज्य है वो सब कौन संभालेगा उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है मुझे वशिष्ठ से ज़्यादा पावरफुल ब्रह्म ऋषि बनना है तो वो जिद में आके उन्होंने अपना अपनी डेस्टिनी चेंज की परशुराम के लिए सर्कमस्टांसिस वर मोर इम्पोर्टेंट तो इसीलिए अगर आप आ, आपने मेरी बुक पढ़नी शुरू की तो उसमें आपको रियलाइज होगा कि शुरू में परशुराम का कहीं नाम भी नहीं है नहीं। परशुराम एक्चुअली कम्स इन द मिडल ऑफ द बुक क्योंकि उससे पहले की जो चीज़ें हो रही थी जो पोलिटिकल सिनेरियो था इंडिया का जो डिफरेंट ट्राइब्स थे हुर फाइटिंग फॉर सुप्रीमसी देवर अदर किंग्स देर वॉज रावण हु वॉज ऑलरेडी देयर एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ परशुराम और उस टाइम पे एक राजा थे कार्तिकवीर अर्जुन जिनका नाम किसी ने सुना नहीं है सहस्त्र अर्जुन सहस्त्र सेम 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 सो सहस्त्र अर्जुन और कार्तिकवीर अर्जुन इज अ सेम पर्सन ही इज सपोज टू एव है उनको वो वरदान मिला था दत्तात्रेय से और उनको माना जाता है कि वो पूरी दुनिया के राजा थे सो so, उनका जो कैपिटल था दैट वॉज इन महिषमती सो बाहुबली जिन्होंने देखी होगी उन्होंने महिषमती नाम याद होगा दैट वॉज अ फिक्शनल सिटी बट दे वॉज एन एक्चुअल महिषमती जो अभी एम पी में महेश्वर है सिटी hmm. सो so, महीशमती से उनका वो उनकी कैपिटल थी और वहाँ से उन्होंने अपना राज्य बढ़ाना शुरू किया और वो पूरी दुनिया के राजा बने पूरी दुनिया के तो जो भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड था उस टाइम उसके वो राजा थे आपके अकॉर्डिंग क्या था सिविलाइज्ड वर्ल्ड उस टाइम uh, देखिए अगर आप पॉपुलेशन uh, के हिसाब से जाएंगे तो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स इज़ वन वे टू चेक कि सिविलाइजेशन कहाँ थी अगर आप हिस्टोरिकल पॉपुलेशन में जाएंगे जो एस्टिमेट्स uh, हैं So till about the I think the uh, 15th century or something, a majority of the population was located in India and China. Mm. Even till that time. So these two countries, they matlab, Inka total Melake was about 60 to 70% of the world population. So for any kingdom or any king, conquering a region of this big size would have meant, you know. कॉन्िंग द वर्ल्ड क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन अंडर यू बाकी जो है वो प्रॉब्ली दे स्कैटर्ड अराउंड मल्टीपल कंट्रीज नॉन एक्सेसिबल एनी विच वे एंड नॉन सिविलाईज सो जो इनका जो राज्य होगा डेफिनेटली इट ऑज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया प्रॉबली एशिया एंड दिडल ईस्ट सो और मैं जब गया था मैं एक्चुअली प्राइमरी रिसर्च के लिए आई वेंट टू द्लेस महेश्वर एंड द इज अनादर प्लेस वॉच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ परशुराम विच एल टॉक अबाउट लीटर तो वो दोनों जगह पे जाके मैं एक्चुअली देख किया क्या सिचुएशन थी क्या था वहाँ जो प्रीस हैं उनसे बात की और जो प्रीस थे महेश्वर में उन्होंने मेरे को वो जगह दिखाई जहाँ पर फाइनल लड़ाई हुई कार्तिकवीर अर्जुन और परशुराम की द इज़ Raj अ वेरी स्मॉल टेम्पल इट कॉल राजेश्वर टेम्पल और वहाँ पर वो मानते हैं कि ये शिव जी में विलीन हो गए कार्तिकवीर अर्जुन बिकॉज ईड अ लॉट ऑफ गुड वर्क बिफोर टर्निंग करप्ट सो so, अगर आप कंपेयर करें किसी और विलन से जैसे रावण है तो रावण वॉज आउट एंड आउट आउटन शुरू से ही उसने हरकतें ऐसी की कि मतलब उसको मारना जरूरी हो गया कार्तिकवीर अर्जुन ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की शुरू में बट बाद में जाके वो करप्ट हो गए वो शायद परशुराम स्टोरी के मेन है हाँ तो वो, वो, वो परशुराम स्टोरी के मेन विलन है और इसीलिए मेरी बुक का पहला हाफ इज मोर कंसनट्रेटेड ऑन कार्तिवीर अर्जुन एंड देन परशुराम बिकॉज द सिचुएशन दैट गॉट क्रिएटेड कार्तिवीर अर्जुन वॉज रूलिंग ओवर द ग्लोब एंड वेन ही टर्न करप्ट सेम थिंग पर्कुलेट्स डाउन मतलब टॉप डाउन अप्रोच जो होती है जैसा राजा है वैसी प्रजा यथा राजा तथा प्रजा तो जो वो करप्शन फैल चुका था रूलिंग क्लास में उसको हटाने के लिए परशुराम हैड टू डू सर्टन वॉयट थिंग्स सो विच वर अ रिजल्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज नॉट हिज ओन वॉल्यूशन सो दट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टोरीज